सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को एट्टेयपुरम तमिलनाडु में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी शिक्षा पास ही के एक विद्यालय में शुरू हुई। वो एक बहुत ही बुद्धिमान बालक थे। उनकी तेज बुद्धि के कारण ही वहाँ के राजा ने उन्हें भारती की उपाधि दी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी कविताओं तथा लेखों में भारत की स्वतंत्रता ही मुख्य विषय रही। उनकी अनेकों रचनाओं में से कुछ के नाम हैं कुयल पाट्टू, श्री कृष्ण गान, सुचरितम, आत्मकथा, देशभक्ति गीत, तात्विक गीत, भारतीयार की भगवद गीता, पतंजलि योग सूत्रम, ज्ञान रथम। उन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु के उपरांत तमिलनाडु सरकार ने उनके घर की मरम्मत कराई और नाम दिया भारती इलम, यानी कि भारती का घर।